हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो वैकेंसी या नोटिफिकेशन इनवाइट की गई है वो है आपके फ्रेंड्स यहां पर वेरियस पोस्ट के लिए, और इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 21 मई 2020 कर दी गई है। और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर जो इसका फॉर्म है वो भी आपको सेंड करना होगा। तो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और आप यहाँ पर पोस्ट वाइज डिटेल देख सकते हैं। आप जिस भी पोस्ट के एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। अभी जो नोटिफिकेशन है या फिर जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है या अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com के लिंक पर। वहाँ पर जब आप जाएंगे इसके ऑनलाइन पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको वैकेंसीज के नाम लिखे मिलेंगे। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के सामने ही आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप उस सेक्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर दोबारा से एक पोर्टल ओपन होगा और यहाँ पर आपको सबसे पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन। तो आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका फ्रेंड्स एक न्यू विंडो ओपन होगा। यदि वो न्यू विंडो ओपन नहीं होता है तो आपको यहाँ पर ये ब्लॉक कर रहा होगा, पॉपअप ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा होगा। आप यहाँ से इसको अलाउ करेंगे, अलाउ करने के बाद आप यहाँ से इसको डन करेंगे। डन करने के बाद आप दोबारा से यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक न्यू विंडो यहाँ पर आपकी ओपन हो जाएगी जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये पोस्ट टाइप है ये आपके एक्सपीरियंस बेस्ड पर है, तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस शो करना ही होगा। आपका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, तो आपका पूरा नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो भी आपके पास नाम में आप लगाते हैं वो आप देंगे 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो फादर नेम है या हस्बैंड नेम है वो आप यहाँ दे सकते हैं। आपका जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, आपका मैरिटल स्टेटस, अगर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। इसके बाद कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको शो करने होंगे, तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डीओबी सेक्शन है, तो आपका जो भी डीओबी है ये जो कैलेंडर आपको दिया गया है यहाँ से आप कैलेंडर के माध्यम से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो ऑटोमेटिक काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगा। यदि फ्रेंड्स आप पीएच कैंडिडेट नहीं है तो आप इसको ऑप्शन को अनटिक रहने दें, तो अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं आप इस पर टिक कर सकते हैं। आपसे यहां पर पूछेगा कि आपके जो परसेंटेज है और आप जो पीएच कैटेगरी है वो आपकी कौन सी है, तो आप यहां से उसको सेलेक्ट करके परसेंटेज बता सकते हैं और इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में सेंड करना होगा, नहीं तो आप इसको अनटिक रहने देंगे। नेशनलिटी आपकी यहाँ जाती है, आपका जो रिलीजन है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट सेक्शन है ये आपके कम्युनिकेशन डिटेल का है, तो सबसे पहले डोर नंबर, आपका जो हाउस नंबर है वो आप दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नॉर्मली जो अपना एड्रेस लिखते हैं वैसे आप इसमें लिख लीजिएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर डोर नंबर नहीं है तो भी आप यहाँ पर अपने जो डिटेल्स हैं एड्रेस की वो लिख सकते हैं। तो आपका जो एड्रेस है वो पूरा इन सेक्शन में लिखेंगे आप। इसके बाद अपनी सिटी, इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद अपना जो भी स्टेट है जहाँ के आप निवासी हैं, इसके लिए यहाँ पर लिस्ट में आपको अपना स्टेट यहाँ देखने को मिल जाएगा, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका पिन कोड आप यहाँ फिल कर देंगे, आपका लैंडलाइन नंबर या फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ देना होगा, और इसके बाद आपको देना होगा यहाँ पर आपकी मेल आईडी। तो ये ध्यान रखिएगा जो भी मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप यहाँ फिल करेंगे ये बिल्कुल एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए, तो इसलिए आपको यहाँ पर सभी डिटेल को चेक करते हुए और सही सही यहाँ पर फिल करना होगा। अब यहाँ पर ये डिटेल फिल करने के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर जो कि है फ्रेंड्स आपके परमानेंट एड्रेस का। तो ये था आपका कम्युनिकेशन एड्रेस। यदि दोनों एड्रेस अलग अलग हैं आप मैनुअल एंट्री कर लीजिए, अगर सेम है तो आप सेम इस पर क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क की। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपके कोई भी शरीर पर, बॉडी पर कोई मॉल है, मार्क है, सिंबल है तो फ्रेंड्स आप उसकी जानकारी दे सकते हैं यदि वो विजिबल है तो। यदि नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली इसमें लिख देंगे नो मार्क। अब यहाँ पर ही ध्यान रखिएगा आपको जो भी डिटेल फिल करनी है ये आपको कैपिटल लेटर्स में ही फिल करनी होगी, तो आपको यहाँ पर इन डिटेल को, जानकारी को लिखना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से लिखना है कि आपको यहाँ पर दोनों सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके यहाँ पर कोई भी विजिबल नहीं है तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर भी अगर आपके हाथ पैर पर या चेहरे पर कहीं पर भी कट या मोल का निशान है तो आप उसको जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो नो कीजिए। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं तो यस कीजिए। अब माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन कौन सी होती हैं तो आप इस पर क्लिक करके मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धि, बौद्ध जो होते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसमें आप नो करेंगे।
इसके बाद यहाँ पर है अदर डिटेल्स। यदि फ्रेंड्स आप एक्सटर्नल एप्लीकेंट है या फिर इंटरनल है, इंटरनल मतलब अगर आप पहले से इसमें काम करते हैं तो आप इंटरनल है तो आप इंटरनल पर क्लिक कर सकते हैं और आपका जो बैज नंबर और डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। यदि नहीं है आप एक्सटर्नल एप्लीकेंट पर क्लिक करेंगे और आप रजिस्टर्ड हैं अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट जो है आप यहां पर दे सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं तो अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका कोई भी रिलेटिव HSL में काम करता है तो आप यस कर सकते हैं और उनका जो एम्प्लॉय का नाम है, डिपार्टमेंट और बैज नंबर है वो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने HSL में पहले कभी इंटरव्यू दिया है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। इसके बाद है स्पेसिफाई कंप्यूटर स्किल, तो आपके पास कोई भी कंप्यूटर की स्किल है अगर है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इनको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो आप यहां पर उसकी जानकारी लिख देंगे, उस सर्टिफिकेट का नाम लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स या गेम की जानकारी दे सकते हैं, अगर इसके अलावा कोई अदर डिटेल है वो भी आप यहां पर उसकी जानकारी दे सकते हैं। अब इस वैकेंसी की डिटेल की जानकारी आपको मिली कहां से, तो सबसे पहले आपको यहां पर देखिए आपको दिया गया है, जो भी आप ये डिटेल सर्च करना चाहें वो कर सकते हैं, जॉब साइट लिख सकते हैं, जैसे हमको यहां पता लगा jobrasta.com के थ्रू तो हम यहां पर इसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद है Have you ever been convicted or criminal offense? तो फ्रेंड्स अगर आपने कोई भी क्रिमिनल केस आपके आपके खिलाफ है तो आप यस या नो की जानकारी यहां पर दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रेफरी डिटेल, तो यहां पर देना जरूरी है और कम से कम एक आप यहां पर देंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स जो रेफरी है, जो रेफरेंस आप देना चाहते हैं उसकी जानकारी आपको यहां पर देनी है, तो आप किसी का भी नाम यहां लिख सकते हैं, बस वो आपके परिवार में नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। इसके बाद आप उनका नाम लिखेंगे, उनका पूरा एड्रेस आप यहां पर लिखेंगे। अब आपका ये पड़ोसी हो सकते हैं, आपके ये जो आपके दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और उनकी फुल डिटेल आपको यहां पर विद कॉन्टैक्ट मतलब मोबाइल नंबर के साथ आपको लिखनी होगी। अब यहाँ पर लास्ट बचेगा आपका फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन, तो फोटोग्राफ आपको यहाँ अपलोड करनी है 20 से 50 केबी के बीच में, सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 20 केबी के बीच में। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी फोटो या साइन अपलोड नहीं होगी, तो यहाँ पर देखिए जो ये पिक्सल आपको दिए गए हैं, ये पिक्सल को आपको कन्वर्ट करना होगा। अब ये पिक्सल में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो भी आपकी फोटो है या जो भी साइन है इसको आप ओपन कर सकते हैं पेंट में। तो फ्रेंड्स पेंट में ओपन करने के बाद आप यहां पर देखेंगे आपको आपकी फोटो यहां शो करेगी। अब मैं यहां पर आपको एक बार शो कर देता हूं दोबारा से, यहां पर जो डायमेंशन है वो 200 से 230 पिक्सल आपका यहां पर मांगा गया है। तो आपको यहां पर कंट्रोल प्लस W दबाना है या फिर आप यहां पर जो ये रिसाइज का टैब है इस पर आप क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर आप पिक्सल पर क्लिक करेंगे, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनटिक करेंगे और जो भी आपसे यहाँ पर क्राइटेरिया मांगा गया है, जैसे 200 से 230 मांगा है तो यहाँ पर ये आप फिल करेंगे। अगर साइन की बात करें तो 140 से 60 आपसे मांगा है वो आप टाइप करेंगे, इसको ओके करेंगे, आपका पिक्सल यहाँ पर सेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सेव या सेव एज JPG फॉर्मेट में कर सकते हैं, तो ये आपको इस तरह से सेव करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर इसको अपलोड करना है। तो सेम आप फोटो को यहाँ अपलोड करेंगे और सेम आप जो सिग्नेचर है उसका भी डायमेंशन चेंज करके उसको यहाँ पर आप करेंगे अपलोड। अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे आपको अभी यहाँ पर इस सेक्शन शो नहीं करेगा, पर आप एक बार जानकारी जो है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप एक बार चेक कर लें और उसके बाद यहाँ पर जो सेव एंड गो टू सेकेंड स्टेज का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीट हो चुका है। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके रजिस्टर मेल आईडी पर सेंड कर दिया गया होगा। अब यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन सेक्शन फिल करना है जो कि हाईएस्ट से लोएस्ट क्वालिफिकेशन की तरफ चलेगा, मतलब सबसे पहले जो भी आपके पास हाईएस्ट है, जैसे आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन का नाम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्वालिफिकेशन का नाम लिख देते हैं और आपने यहाँ पर किस में किया है, किस स्ट्रीम में किया है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो आपका यूनिवर्सिटी का नाम है वो आपको लिखना है, आपका जो पासिंग मंथ एंड ईयर है वो आपको यहाँ जानकारी देनी है, आपने इसको कब पास किया है, क्लास या डिवीजन बताना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको यहां पर बतानी होगी, ड्यूरेशन एंड ईयर्स आपको बताना है और फुल टाइम या पार्ट टाइम आपने कैसे किया है वो आप यहां पर बता सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको जो ये प्लस का साइन दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपका ऊपर ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपने मान लीजिए 12th किया है तो आप यहां पर HSC लिख सकते हैं, आपका जो बोर्ड का नाम है वो आप यहां पर लिख देंगे। इसके बाद सेम आपका जो मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग है वो आप यहां पर दे सकते हैं, तो आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आप यहां पर दे दीजिए। इसके बाद आपका जो क्लास ऑफ डिवीजन है वो आप यहां पर दे सकते हैं, आपकी परसेंटेज आप यहां पर दे सकते हैं, आपका ईयर दे सकते हैं कितने टाइम में आपने इसको किया है, ऐसे आपको करते हुए जानकारी यहां पर देनी होगी। तो आप यहां पर अपनी जो जानकारी है वो आप यहां पर दे सकते हैं और उसके बाद दोबारा से प्लस कर सकते हैं। इसके बाद आप 10th की जानकारी देंगे, 10th की जानकारी दे दीजिए, सेम आपको बोर्ड का नाम लिखना है, आपके मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग लिखना है और ये जानकारी
फिल करने के बाद आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने हाईएस्ट से लोएस्ट क्वालिफिकेशन के तरफ चल के हमने सभी डिटेल को फिल कर दिया है। आपकी जो भी एक्चुअल क्वालिफिकेशन है उसको ही आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आपके एक्सपीरियंस के डिटेल। तो प्रेजेंट से प्रीवियस पे जाना है, मतलब प्रेजेंट पे अगर आप वर्किंग करते हैं तो उससे आपको प्रीवियस पे जाना होगा। सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, आपने इसको किस में जो है आपने जॉब की थी, टाइप क्या था आपका जॉब का, पब्लिक थी, प्राइवेट थी, पीएसयू था, डेजिग्नेशन क्या थी, आप किस पोस्ट पर काम करते थे, तो पूरा नाम आप जो भी आपकी पोस्ट का नाम था वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद कब से कब तक आपने काम किया है, और ये आपका होना चाहिए पोस्ट डेट, मतलब आपने जब इसको पास किया है, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है या फिर जिस पोस्ट पर जिस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप फिल कर रहे हैं उसके बाद ही आपका यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इस डिटेल को फिल कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखिएगा आपको जो सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस का वो भी आपको शो करना होगा। तो आप यहाँ से और जब तक की डेट है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद पे स्केल या ग्रेड पे आप यहाँ पर दे देंगे, नेचर ऑफ वर्क या रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या थी वो आपको देना है, और रीजन ऑफ फॉर लिविंग आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप प्लस पे साइन करेंगे, अगर आपके पास मल्टीपल कंपनी में काम किया है मल्टीपल यहाँ पर एंट्रीज कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड है आपके पास क्या एक्सपीरियंस है। और ध्यान रखिएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको शो करना होगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी ट्रेनिंग या सेमिनार आपने ज्वाइन किया है या फिर आपने पास कोई भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन का मेंबरशिप है उसकी जानकारी आप देकर यहाँ पर सेव एंड गो टू थर्ड स्टेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप दो स्टेप कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर ये डिक्लेयर करना है आपको यहाँ पर कि आपने सभी जानकारी सही भरी है। इसके बाद जो ये कैप्चा कोड आपको दिया गया है ये कैप्चा कोड आपको फिल करना है और उसके बाद आप यहाँ से इसको सेव एंड सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो ये जानकारी है वो आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। आप यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको मिल जाएगा और कन्फर्मेशन जो मेल है वो आपकी मेल आईडी पर सेंड कर दिया गया होगा। अब हम चलते हैं दोबारा से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर जो आपका एडिट एप्लीकेशन सेक्शन है यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपकी जो DOB है और जो एक कैप्चा कोड है ये डालकर आप सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद आपका फ्रेंड्स जो ये फॉर्म है वो दोबारा से ओपन हो जाएगा। अगर आप इसमें कोई भी एडिट करना चाहते हैं आप एडिट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कोई एडिट नहीं करना है तो आप यहाँ से अब इसको लास्ट में फाइनल सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आप इसमें फिर कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स सबमिट करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको एक मेल भी आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है, और आपको यहां पर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा। आपको फ्रेंड्स यहां पर इसका जो प्रिंट आउट है वो निकलवाना होगा और उसके बाद आपको इसको सेंड करना है। अब सेंड करने के लिए फ्रेंड्स यहां पर आपको डिटेल में ध्यान रखना है फीस के बारे में। तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको DD मतलब डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर बनवानी होगी 200 रुपये का, मतलब जनरल और OBC EWS कैंडिडेट के लिए रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पर SC ST PH या इंटरनल कैंडिडेट के लिए, उनके लिए कोई भी DD या कोई भी फीस की जरूरत आपको नहीं होगी। बाकी अगर अदर कैंडिडेट हैं आप जनरल OBC के या EWS मेल कैंडिडेट हैं आप या फीमेल कैंडिडेट हैं, आपको 200 रुपये का यहाँ पर DD बनवानी होगी। DD की जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है किनके फेवर में आपको DD बनवानी है, और इसके बाद जो भी प्रिंट आउट है और या फिर जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर सेंड कर देना है, जो कि आपको यहाँ पर देखिए एड्रेस दिया गया है। डेट इसकी चेंज हो चुकी है, जो नई डेट है उसके दौरान आपको भेजना होगा। 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है। अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करना चाहते हैं आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने शॉर्ट में सभी जानकारी आपको बता दी है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।